दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज अगर किसी को किया जा रहा है पूरे के पूरे बिग बॉस के घर में या पूरे के पूरी जो बिग बॉस की जर्नी है उसमें, तो वो नाम मुनव्वर फारूकी का ही है। बिकॉज कैसा है ना कि उनसे ऑडियंस बहुत ज्यादा प्यार करती है, उनको ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद करती है। और ये माफी चाहता हूँ, और ये किस्सा तो बहुत पहले से मशहूर है कि भाई बदनाम उन्हीं को किया जाता है जिनके नाम होते हैं। तो मुनव्वर का नाम कितना है ये बात हम सब जानते हैं, और किस तरीके का उनको प्यार मिलता है उनकी ऑडियंस से, इससे भी हम बोलते हैं ना कि भाई इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो एक लेवल मुनव्वर ने अपने लिए सेट किया है, एक अलग लेवल, एक डिफरेंट लेवल पर पहुँचते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद भाई मुनव्वर के चलते बिग बॉस पर एक अलग ही लेवल का इल्ज़ाम लग रहा है? आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज। आपको बता दें दोस्तों कि इल्ज़ाम जो लग रहे हैं ना मुनव्वर पे, वो इसी वजह से लग रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं मुनव्वर के जो फैंस हैं, जो मुनव्वर की जनता है, अगर मुनव्वर के ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे तो वो शो देखेगी और TRP बढ़ेगा इससे। लेकिन जिस तरीके से मुनव्वर के पास्ट लाइफ को लाकर खदेड़ा जा रहा है बिग बॉस के घर में, वो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देने वाला चीज़ है। बिकॉज मुनव्वर ने कोशिश की है हमेशा अपना 100% देने की, और अपना 100% दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुनव्वर को कॉर्नर किया जा रहा है, उनको एक साइड किक के तौर पे दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। दोस्तों, अगर देखा जाए इस समय मुनव्वर के ऊपर जो इल्ज़ाम, मतलब बिग बॉस के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं मुनव्वर के चलते, वो ये है कि भाई बिग बॉस यूज़ कर रहे हैं मुनव्वर का TRP के लिए, और ये जो भी चीज़ बिग बॉस करवा रहे हैं इनसे उन्हीं का फ़ायदा है, जो कि बात बिल्कुल सही है। और ये इल्ज़ाम भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बिग बॉस जानबूझकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।